नमस्कार साथियों, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 11 अप्रैल मंगलवार शाम का बुलेटिन। खबरों को देखने से पहले आइए डालते एक नजर आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। किराए की दुकान को लेकर हुआ विवाद, अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ चलेगी बड़ी मुहिम। वॉशरूम से मिली शराब की खाली बोतल। तराना के ग्राम भड़ सिम्बा में सरपंच पति के साथ 1.5 लाख की लूट। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस, आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। पावर चौक पर छोटा गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स में दुकान मालिक ने किराए पर दी दुकान का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। मंगलवार को किराएदार ने पुलिस की मौजूदगी में दुकान पर फिर कब्जा किया, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। किराएदार जयेश कुमार जैन ने बताया कि टावर स्थित छोटा गोपाल मंदिर के समीप उनकी झाड़ू ब्रश व पायदान की दुकान है, जो उन्होंने 50 साल पहले रामचंद्र यादव से किराए पर ली थी। 8 अप्रैल रात 9 बजे वह दुकान पर ताला डाल कर गए थे। जब 10 अप्रैल को लौटे तो उनकी दुकान पर शॉप के मालिक सुनील पिता रामचंद्र यादव ने ताला काट कर अपना ताला लगा दिया और दुकान में कबाड़ का सामान भर दिया। जयेश कुमार जैन ने इसकी शिकायत माधवनगर थाने में की। पुलिस के कहने पर जयेश ने फिर दुकान पर अपना ताला लगा दिया, जिसे भी सुनील यादव ने काट दिया, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस को साथ लेकर किराएदार जयेश कुमार जैन फिर दुकान पर कब्जा लेने पहुंचा, जहां विवाद की स्थिति बन गई। जयेश जैन ने आरोप लगाया कि दुकान मालिक सुनील यादव ने उस पर पथराव किया। इसके अलावा दुकान में रखा उनका 2 लाख रुपए का माल और 20,000 रुपए नगद भी गायब है। इधर मामले में माधवनगर पुलिस ने सुनील यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। विगत मेरे यहाँ 50 साल से ये दुकान है और उसको मैं संचालित करता हूँ, और मैं 8 तारीख को भी मतलब मैं दुकान पे ताले वाले लगा के गया था। तो मैं 10 तारीख को आया तो मुझे मेरी दुकान पे मेरे ताले काट के उसके खुद ने अपने ताले लगा लिए थे। मैंने माधवनगर थाने में इसके आवेदन दिया, चीफ साहब ने आवेदन लेके बोला आप अपने उसके ताले काट के अपने ताले लगा। उसके बाद आज फिर गया तो उसने मेरे तीनों ताले काट दिए और एक अपना ताला लगा लिया, नकुचे भी काट दिए। जब मालूम पड़ा इसको खोला गया तो वहां से उसने पीछे से छेद करके अंदर कब्जा कर लिया और ढेर सारे उसके अंदर पत्रे भर दिए। मेरा सामान और रुपए सब वहाँ थे, वो सब हटा गायब है वहाँ से। मेरी झाड़ू ब्रश पायदान की दुकान है, वहाँ कम से कम 30-35 सालों से हम इसको कर रहे हैं। सुनील यादव हाँ, उसने पथराव भी किया जब हम दुकान पहुंचे तो मतलब उसने पथराव करा। छोटे गोपाल मंदिर पे जयेश कुमार जैन की एक पुश्तैनी दुकान है, जिसको वो किराए से ले रखी थी उन्होंने। तो आज सुबह वो दुकान खोलने गए तो देखा कि उनके ताले बदले हुए थे, और ताले उन्होंने फिर दूसरे चाबी से खोलने की कोशिश की, नहीं खोली तो तोड़ रहे थे। तोड़ के शटर खोल के देखा तो किसी व्यक्ति ने जो है अंदर कबाड़ा और ये चद्दर उद्दर पटके हुए थे। इसी में देखा तो ऊपर से सुनील यादव नाम का व्यक्ति ईंटे और पत्थर फेंकने लगा उनके ऊपर, इससे वो बच गए थे। तो इसमें जो है फरियादी की तरफ से FIR दर्ज की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही नगर निगम शहर में जल प्रदाय को लेकर गंभीर हो गया है। शनिवार को महापौर ने निगमायुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ गंभीर डैम का निरीक्षण किया था। मंगलवार को MIC मेंबर और अधिकारियों के साथ महापौर ने जल प्रदाय व्यवस्था के संबंध में बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में महापौर मुकेश टटवाल ने अधिकारियों से वर्तमान जल प्रदाय व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद अवैध नल कनेक्शन पर बड़ा फैसला किया गया। शहर में अवैध नल कनेक्शनों को रोकने के लिए बड़ी मुहिम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब जल्द ही PHE की टीम नल कनेक्शन चेक करेगी और अवैध पाए जाने पर कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पानी टंकियों और पाइपलाइन के लीकेज को रोकने के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। इन 4 दिनों में सभी लीकेज ठीक किए जाएंगे। इधर गर्मी में मच्छरों की समस्या को देखते हुए निगम 2 नई मशीनें खरीदेगा। यहां हम आपको बताते चले कि गंभीर में फिलहाल 75 दिन का पानी शेष है। यदि मानसून में देरी हुई तो शहर वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नगर निगम जल प्रदाय व्यवस्था को सुचारू रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। आज हमारी जो बैठक थी पेयजल को लेकर के थी, तो इसमें हमने ये निर्णय किया कि जितने भी अवैध रूप से जो नल कनेक्शन चल रहे हैं उनको एक निरंतर कार्रवाई करके उनको तत्काल बंद किए जाएं, और जिसके यहाँ जिस प्रकार का कनेक्शन वैध होना चाहिए उसके यहाँ वो है कि नहीं उसको भी देखा जाए, और अगर अवैध कनेक्शन है, अगर उसने ज़्यादा पानी का कनेक्शन ले रखा है तो उसको भी तुरंत काटा जाए। नगर पालिका निगम द्वारा आने वाले समय में हमारे उज्जैन के नागरिकों को पेयजल के बारे में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए बहुत सारे निर्देश दिए हैं। एक तो जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर हमारे
बोरिंग से हेडपम्प है, कुआ है, बावड़ी है, उन सबकी रख रखाव करना, उनके उनके स्रोत किस प्रकार से हैं, वहाँ पे किस प्रकार से उनको दुरुस्त कर सकते हैं, वो सारे काम इनको 4 दिन में करने के निर्देश दिए हैं। दूसरा, शहर में काफ़ी मच्छरों की समस्या है, इसके लिए आज हमने 2 नई मशीन और ख़रीदने के लिए निर्देशित किया है ताकि हमारे पूरे शहर में मच्छर की दवाई का छिड़काव हो सके। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्री गंजरब, नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113, फ्रीगन संपर्क 9977902625, डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब पीने के अहाते बंद कर दिए गए। बिना सोचे समझे किए गए इस फैसले के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। रोड किनारे, मैदानों सहित अब शासकीय कार्यालय में भी शराब की खाली बोतलें मिल रही है। मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन की दूसरी मंजिल पर जिला भू अभिलेख कार्यालय के पास बने वॉशरूम में कुछ अलग ही नजारा दिखा। दरअसल वॉशरूम के वॉश बेसिन पर शराब की खाली बोतल रखी हुई थी। जाहिर है कि किसी ने शराब पीकर बोतल वहीं छोड़ दी। बहरहाल कलेक्टर कार्यालय जैसी जगह के वॉशरूम में शराब बोतल मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर कौन है जो शासकीय कार्यालय में शराब खोरी कर रहा है? क्या शराब बहादों के बंद होने से इस स्थिति निर्मित हो रही है, या कलेक्टर कार्यालय में कोई आदतन शराबी है जो वॉशरूम में जाकर शराब गटक रहा है? वैसे पूरे प्रशासनिक भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यदि उन्हें खंगाला जाए तो इस राज से पर्दा उठ सकता है। सोमवार देर रात तराना तहसील के ग्राम भड़सिम्बा में पुलिस के पास सरपंच पति के साथ 1.5 लाख रुपए की लूट का संदिग्ध मामला सामने आया है। फरियादी के अनुसार कुछ लोगों ने उनकी कार को रोका और कांच फोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि फरियादी पुलिस के सवालों का संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल कायथा थाना पुलिस जाँच कर रही है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे कायथा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम भड़सिम्बा पुलिया के पास लूट हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना स्थल पर एक सफेद रंग की कार क्रमांक MP13CC3825 के पीछे का कांच फूटा हुआ था और कार सवार व्यक्ति सड़क पर बैठा था, जिसका कहना था कि 7-8 लोगों ने उसे रोक कर लूट लिया। पुलिस ने उक्त शख्स को थाने ले जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम मोहन लाल, पिता नाथूलाल मालवी है जो पटवारी है और ग्राम भड़सिम्बा की सरपंच कृष्णा बाई का पति भी है। मोहन लाल का कहना है कि वह देर रात शासकीय कार्य करके अकेले तराना से भड़सिम्बा अपने घर लौट रहा था, तभी पुलिया के पास 7-8 लोगों ने उसे रोका और गाड़ी का कांच फोड़कर अंदर रखे 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस को प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने मोहन लाल को शिकायत लिखवाने को कहा तो उसने मना कर दिया और बिना शिकायत लिखवाए ही चला गया। कायथा TI लीला सोलंकी ने बताया कि मोहन लाल नशे में था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम 12 अप्रैल को पटनी बाजार स्थित श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर से सुबह 10 बजे पंचक्रोशी मार्ग का भ्रमण करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था पवासा में 15 मई से 13 दिवसीय निशुल्क इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा एंड सिक्योरिटी सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने चिमनगंज थाना क्षेत्र मितेश उर्फ छोटू उर्फ बच्चा पिता बालकृष्ण बहादुर सोमवंशी और दीपक उर्फ दीपू माली पिता पुरुषोत्तम माली निवासी पवासा को 1 साल के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 18 अप्रैल को शाम 4 बजे प्रशासन संकुल भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम करेंगे।
जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे प्रशासनिक संकुल भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुँचाए। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।